डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। विधान परिषद के लिए जो 2 सीटें खाली हैं उनमें नामांकन हुआ है, लेकिन सपा ने भी एक महिला आदिवासी महिला को उतारा है चुनाव में। पार्टी के दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी ने केवल दिखावे के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए प्रत्याशी उतारा है। अभी कुछ दिनों पहले उनके पास पर्याप्त जब 2 सीटों को जिताने के लिए वोट थे तब नहीं लड़ाया है। अभी वो जानते हैं कि सपा बुरी तरह से चुनाव हारेगी, केवल गुमराह करने के इरादे से लोगों को, मतलब उनको लगना चाहिए कि वास्तव में समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, ये पूरा देश और प्रदेश जान गया है। ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला से वोट नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी ये अपनी त्रुटि को स्वीकार करेगी एक दिन कि जब उनके पास वोट थे तब लड़ाया नहीं, अब लड़ा रहे हैं केवल हारने के लिए। और इस तरीके से खिलवाड़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए, मैं इसका बहुत बहुत दुख के साथ कहता हूँ। हाँ, बहन कीर्ति कुल के साथ जिस तरीके का व्यवहार समाजवादी पार्टी ने किया उसको उचित नहीं मानता। जब उनके पास वोट थे तब तो लड़ाया नहीं, और जब हार सुनिश्चित जानते तब आप टिकट दे रहे हो, तो आपकी मानसिकता का प्रदर्शन है। मैं लगता हूँ ये एक दिन जनता इन्हें पूरी तरह से इसका जवाब देगी, और अभी तो 100 सीटें आई हैं, ये 10 सीटें के लाले पड़ जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो अपना एक प्रत्याशी विधान परिषद उपचुनाव में उतार रही है वो हारने के लिए उतार रही है, और एक आदिवासी समुदाय कोल समुदाय की एक महिला का ये अपमान है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।